जहर दिमाग के अंदर पहुंच चुका है, अब देखो मैं इसे कैसे निकालता हूं। ट्यूब नाक में डाल के जहर निकालेंगे। ये क्या है इतनी बड़ी ट्यूब? इसे कहते हैं यूट्यूब। इतनी बड़ी ट्यूब नाक में डालोगे? अक्ल नहीं है क्या? जहर खा लिया है ना, अब इलाज भी करना ही पड़ेगा। चलो लेटो। ए! क्या कर रहे हो तुम? असली डॉक्टर हो या नकली? असली क्या है नकली क्या है अभी बताता। डॉक्टर ये मेरी इकलौती बेटी है, मैंने शादी की बात क्या की, इसने जहर पी लिया। तुम्हारी एक्टिंग अच्छी जा रही थी लेकिन एक मक्खी ने गेम बिगाड़ दिया। अब इमरजेंसी रूम लेके जाओ। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटूंगा। अरे दिन रात शादी 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 करते रहते हैं, इसीलिए ये नाटक करना पड़ा। हटो। सुनो, शादी में इंटरेस्ट नहीं है या कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का चक्कर है? क्या करोगे जानकर? देखो बाप है तो तुम्हारी शादी की फिक्र तो होगी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते, बदले में उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल है या मैरिज ब्यूरो? हमारा फैमिली मैटर है, बीच में मत पड़ो। ओ, अच्छा, दूसरों का फैमिली मैटर रेडियो पे उछालती हो और खुद पे आई तो रेडियो का स्विच बंद। ए पंगा नहीं। ऐसा जमाना आया है मोटा भाई, मैंने अपनी इकलौती बेटी से बस इतना कहा कि शादी कर लो और उसने जहर पी लिया। बोलो, हम माँ बाप आजकल के बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। गलती से पूछ लिया कि कहाँ गई थी तो भी हम पे बरस पड़ते हैं, हम कहाँ जाएं? सर, सब बरोबर है ना डॉक्टर? आपकी बेटी चली गई। मुझे छोड़कर चली गई बेचारी। घर चली गई है सर। घर चली गई? डॉक्टर साहब अरे सर, ये डॉक्टर है क्या मदारी है? जहर उतार दिया। बेटी भी पागल बाप भी पागल। बोल तू शादी के लिए हाँ बोलेगी क्या? नहीं। तू अपने बाप को खुश नहीं देखना चाहती क्या? कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर। आप चाहते हैं कि मैं हाँ? माँ रुक जा, क्या हुआ? बेटी में महाभारत जो हो रही है, दोनों पागलों की तरह सुबह से लड़ रहे हैं। और कब तक वेटिंग कराएगी? ऐसा अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता है, पता है कितनी मुश्किल से ये रिश्ता। कितनी जिद्दी लड़की है, देखो अपने बाप को कितना ज्यादा तंग कर रही है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। पीछे तुझे देख लेगी। पापा जल्दी करो प्लीज, फास्ट प्लीज। ए रुको रुको रुको, इन्हें क्या हुआ? मेरे पापा ने जहर पी लिया। कल तुमने पिया, आज इन्होंने पी लिया। एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या बाप नहीं, बेटी नहीं, के बीच में? पापा ने सच में जहर पी लिया है, प्लीज इन्हें बचा लो। ठीक है ठीक है, अंदर ले जाओ जल्दी। सर प्लीज, मेरे बस एक ही पापा है, प्लीज। देखो ज्यादा टेंशन मत लो, सबके एक ही होते हैं, मैं देख लूंगा। ठीक है, ट्यूब लेकर आओ। सिस्टर स्टमक क्लीनिंग कर लो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? He is out of danger, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? प्लीज अपने काम से काम रखो। हर बाप की तमन्ना होती है कि बच्चों की शादी सही वक्त पर हो जाए, जरा उनका भी तो ख्याल करो। मतलब हाँ कर दूँ शादी के लिए फिर तो? देखो पिता को खोने का दर्द मैं जानता हूँ, मेरे इलाज से वो बेहतर तो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक हाँ, सिर्फ एक हाँ उन्हें ठीक कर देगी। उनकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? चलो छोड़ो, तुमने हाँ कर दिया, तुम शादी के लिए तैयार? मैंने हाँ नहीं की है, रुको। अरे हाँ कोई उनकी दवा बनाऊंगा। वाइटल स्टेबल है ना? यस डॉक्टर। माधव जी आप बिल्कुल ठीक हैं। और एक खुशखबरी है, आपकी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ कर दी सच में? हाँ सच्ची। क्या कह रहे हो? बिंदास शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। मैं जरा फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कीजिए ना। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। ओए कहा था ना तुम्हारी सिर्फ एक हाँ, देखो खुशी से फूले नहीं समा रहे। महेश मेरी बेटी राजी हो गई। महेश कौन है? तुम्हारा होने वाला पति? मस्त नाम है। महेश नहीं, महेश्वरी। ओह तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे हैं? माँ नहीं, गर्लफ्रेंड है। मैं समझा नहीं। शादी मेरी नहीं उनकी है। आई लव यू महेश्वरी, मेरी बेटी मेरी शादी के लिए राजी हो गई। हेलो, क्या लेक्चर दे रहे थे मुझे पिता को खोने के बारे में? यहाँ कहानी अलग ही चल रही है समझे? वहाँ क्या हो रहा है? हाँ कहाँ क्या हो रहा है? ए भाग कर रहे हो? तू सच कह रहा है, वो खुद की शादी की बात कर रहा है। हाँ, और ये सब जाने बिना ही मैं उस लड़की को वहाँ कन्विंस करने में लग गया था। उम्र हो गई, उम्र हो गई, ये तो बेचारा अपनी उम्र की बात कर रहा था। और क्या? आंटी। अरे बेटा आपने तो बताया ही नहीं, हमें शादी पर जरूर बुलाना और रेडियो पर भी।